तो देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पढ़िए जरा इसको क्या कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट कौन से आर्गुमेंट्स हमारे करेक्ट हैं और कौन से इनकरेक्ट हैं गिव रीजन फॉर योर आंसर और आंसर करिए रीजन दीजिए कि क्यों करेक्ट है या क्यों इनकरेक्ट है ठीक है तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट पढ़ते हैं और पहले पॉइंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इफ टू कॉइंस आर टॉस्ड साइमटेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स अगर दो कॉइन एक साथ उछाले जाए साइमटेनियसली मतलब एक-एक करके ठीक है एक साथ उछाले जाए साइमटेनियसली तो दोनों कॉइंस के उछालने पर जो हमें आउटकम्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे टू हेड टू टेल्स और ऑफ ईच और एक दूसरे का एक सिरा मतलब कि हेड और टेल ठीक है तो कहने का तात्पर्य है कि वो ये कह रहा है और आगे बढ़ते हैं चलो देर फोर फॉर ईच ऑफ द ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्राटी इज वन ऑफ थ्री तो इनके आउटकम्स की जो प्रावलिटी है वो वन ऑफ ऑन थ्री होगी ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है पहला स्टेटमेंट ठीक है जो कि एकदम गलत है यानी कि इनकरेक्ट है ये हम गलत इनकरेक्ट है हमें पता है क्योंकि दो कॉइंस को साइमटेनियसली उछालने पर जो हमारे अपकमिंग आउटकम्स जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो चार आउटकम बनते हैं हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल इस तरीके से कितने बनते हैं चार बनते हैं लेकिन ये कह रहा है कि तीन बनते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारी क्या आएगी देयरफॉर ईच ऑफ दीस आउटकम्स मतलब हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बोल रही है यानी कि आएगी लेकिन ऐसा गलत है अगर हम ईच ऑफ थिंग्स मतलब जितने हमारे पॉसिबल आउटकम्स आए हर किसी की अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो वन फोर आएगी ना कि आएगी तो ये क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ ठीक है क्या हो गया स्टेटमेंट हमारे लिए इनकरेक्ट ये गलत है इफ डाइस इज थ्रोन यहाँ भी देखो डाई पता नहीं क्या हो गया है डाइस को डाई कर दिया है हर जगह ठीक है If a dice is thrown, there are two possible outcomes: an odd number or an even number. ek odd number aaye aur ek even number aaye Therefore, the probability of getting an odd number is 1 upon 2 theek hai to देखो क्या कह रहा है second statement में, if dice is thrown, अगर हमने dice फेंका, there are two possible outcomes. ठीक है? दो ही possible outcomes हो सकते हैं, दो possible outcomes है odd और even.

अच्छा क्यों है अब ये भी जान लेते हैं है ना रीजन रीजन देना पड़ेगा हमें क्योंकि वो पूछ रहा है हमसे रीजन तो रीजन क्या होगा बिकॉज टू क्वाइंस टू क्वाइंस आउटकम्स आर टू क्वाइंस आउटकम्स आर हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल ये हमारे बनेंगे चार आउटकम ठीक है क्या बनेंगे चार आउटकम बनेंगे और अगर इन चारों की क्या करें हम इन चारों की अगर प्रोबेबिलिटी निकाले इंडिविजुअली है ना इंडिविजुअली अगर हम ईच ऑफ दीज मतलब हर प्रत्येक की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें इसके अंदर से तो देखो यहाँ पे ये तो हो गए हमारे बिकॉज तो बिकॉज टू क्वाइंस आउटकम्स आर दीज ठीक है तो फॉर टू क्वेंस टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू फोर चार होंगे है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इच ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इच इज इक्वल टू वन अपॉन फोर देखो प्रत्येक की प्रॉब्लटी निकालोगे यानी कि प्रॉबर्टी ऑफ हेड हेड निकालो प्रॉब्लटी ऑफ हेड टेल निकालो या प्रॉबलिटी ऑफ टेल हेड निकालो या प्रॉबलिटी ऑफ टेल टेल निकालो सभी की प्रॉब्लटी क्या आने वाली है आएगी अगर इंडिविजुअली निकालोगे तो है ना तो क्या आएगी वन अपॉन फोर आएगी विच इज विच इज नॉट मैच ठीक है विच इज नॉट मैच with the statement with the statement that's why the given statement is incorrect that's why the that's why the given statement is incorrect इन incorrect क्या होगा हमारा इनकरेक्ट होगा बात समझ आई है ना यानी कि अगर देखो जैसा कि हमने बताया कि दो कॉइन्स को उछालने पे हमें जो आउटकम्स मिलेंगे वो चार मिलेंगे और हर एक की अगर हम प्रायोरिटी निकालेंगे तो वन बाई फोर आएगी और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आउटकम तीन होंगे और प्रायोरिटी वन अपॉइन थ्री आएगी तो ये गलत है स्टेटमेंट गलत है और क्यों गलत है इसलिए गलत है ठीक है समझ आ गया ना चलिए फिर आगे इसको हम सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं देखिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। अभी जगह थोड़ी सी हमारे पास कम है इसलिए हम स्पेस इस को यूटिलाइज करेंगे देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारे पास इफ डाइस इज थ्रोन देर आर टू पॉसिबल आउटकम्स दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं या तो नंबर ऑड आएगा या नंबर तो इवन आएगा है ना ये तो कंफर्म है या तो हमारा ऑड आता है या फिर इवन आता है तो पॉसिबल आउटकम व्हेन पॉसिबल लिखते हैं आउटकम्स फॉर अ डाइस डाइस के लिए क्या होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही होते हैं है ना तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए टोटल सॉरी तो टोटल आउटकम्स टोटल आउटकम्स हो गए हमारे सिक्स हो गए है ना सिक्स हो गए अब इवन की अगर हम बात करें अगर यहां से हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवन नंबर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या आएगी देखो इवन नंबर कौन कौन से हैं दो चार दो चार छ तो तीन है अपॉन सिक्स टोटल तो ये कट गया दो बार एक बार ये कट गया दो बार दैट आ गई किसकी हमारे ऑड इवन नंबर की सिमिलरली हम प्रोलिटी निकालें किसकी इवन नंबर की है ना तो इवन नंबर कितने सॉरी ऑड नंबर की निकालते हैं इवन की हमने निकाल दिए ऑड की तो ऑड में ऑड नंबर कौन कौन से हैं? वन टू थ्री सॉरी वन थ्री फोर वन थ्री फाइव और वन थ्री फाइव ये कितने हो गए एक दो तीन हो गए तो तीन हो गए हमारे पास ऑड और टोटल है छः एक बार कटा दो बार कटा प्रॉलिटी क्या आ गई वन अपॉइंट टू तो दोनों ही केस में अगर हम एक डाइस के केस में डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो जो आउटकम्स आएंगे वो इवन आएगा या ऑड आएगा और इवन नंबर नंबर की की निकालेंगे निकालेंगे तब भी आएगी, की निकालेंगे, तब भी भी आएगी आएगी तो ये जो स्टेटमेंट हुआ वो क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया करेक्ट हो गया दैट मीन्स फर्स्ट वन इज इन करेक्ट सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन विल बी डी डी विल बी द राइट ऑप्शन तो डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर साबित हो जाएगा ठीक है समझ आया